इस कविता का शीर्षक है यह समर्पण ध्वनि है तूर्य की सी बुझती हुई। इसमें कुछ प्रतीक आएंगे अश्वमेध के और कुछ शब्द ऐसे आएंगे, तो वो जहां जहां आएंगे मैं बताऊंगा। पहला खंड है इसका शुक्लाष्टमी, और शुक्लाष्टमी इसलिए कि अश्वमेध का जो यज्ञ शुरू होता था वो शुक्लाष्टमी को ही शुरू होता था, माघ की या चैत की। अब कविता। रात का वक्त नहीं है यह, बहुत मुमकिन है कि जो देख रहा हूं वह स्वप्न हो कोई दुःस्वप्न सा, पर वक्त नहीं है यह रात का। देखो साफ दिख रहा है आसमान में सूरज, जैसे किसी लाश की खुली रह गई आंख, आसमान विभत्स और विवस्त्र की जैसे किसी ने झटके से खींच दिया हो चाल का पर्दा फटे टाट वाला, और उसमें मुचमुचाया सूर्य जैसे भौचक ताकता कोई बूढ़ा अपाहिज, बादलों के मटमैले टुकड़े की जैसे वस्त्र हों कीचट, हवा की साए साए जैसे अर्धनग्न बच्चियों की चीत्कार भाग दौड़। वक्त नहीं है रात का यह, अंधेरों पर नहीं थोप सकते अपने अंधत्व का दोष हम। नीम उजाला भी नहीं, चमकती रोशनी में चला आ रहा है राजा का रथ, काले अरबी घोड़ों से जुता, लहू के कीचड़ में दौड़ता, चीरता धरती के सीने को रोज नए जख्म बनाता, गूंजता है स्वर विजयी तूर्य का भयावह, ध्वजा पर देवता सवार सारे पुरोहितों के मंत्रोच्चार से भयभीत, पंक्षियों की चीत्कार से भर गया है आकाश, तांत्रिक शहरों के बीचों बीच पड़ रहे उच्चाटन कर रहे हवन, ओम लोकतंत्राय स्वाहा, ओम मनुष्यताय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम प्रकाशाय स्वाहा, ओम एंग विंग क्लिंग स्वप्नाय नमः स्वाहा। कर रहे संविधा में समर्पित जीव अजीव सजीव निर्जीव, उठ रही अग्नि, धुएं से भरी दसों दिशाएं, चीतकार से भरी आर्तनाद से, हाहाकार से, जयकार से, विलाप से, परिहास से, अट्टाहास से, और वर्तमान भूत भविष्य के स्वप्न रौंदते हुए सब अश्व हैं कि भागते ही चले जाते हैं। दूसरा खंड। राजा के पीछे खड़ी चतुरंगिणी फौज बड़ी, तोप और बंदूक लिए भरे हुए संदूक लिए, टीवी के चैनल हैं दफ्तर अखबार के, झुक झुक के गाते हैं गीत सब दरबार के, राजा के पांव को, राजा की छांव को, राजा के नाम को, मुख को, मुखौटे को, कुत्ते बिलौटे को, चूमते चाटते रेंगते किचुए सा, फुफकारते नाक सा, भेड़िए सा काटते, पीछे पीछे भागते हैं हाथ में कलम लिए, भाषा के कारीगर जादू बिखेरते, कला कला गागा के सिक्के बटोरते, नोच नोच फेंकते हैं चेहरे पर के चेहरे, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कोट काला टांग कर आला लहराते हुए, प्रेस क्लब का नया पुराना बिल्ला चमकाते हुए, कविता सुनाते हुए, कहानी बनाते हुए, एकेडमी से, कॉलेज से, पार्टी मुख्यालय से, मलमल के आँख जागे सब, दिन के उजाले में भागे सब। जय श्री राम हनुमान जय, जय जय भवानी जय, अक्षरधाम जय, हम भी हैं हम बम बम बोल बम, एक नज़र देखो तो राजा जी नहीं अगर सारथी जी देखो तो, देखो तो फौजी जी भौजी जी देखो तो, देखो ना कर दो ये हम पर भी ये करम, जय जय अमेरिका CIA की जय, जय वर्ण की व्यवस्था जय, आप ही की सत्ता जय। कोई नहीं सुनता, कोई कान भी देता नहीं, सड़क किनारे खड़ा जन ध्यान भी देता नहीं, फिर देखते ही देखते क्या हुआ, गजब हुआ, कलम लिए लिए जोंक बन गए सारे, जाकर चिपक गए अश्वों की पीठ से, पूंछ से, पैर से, लिंग से, अंड से, कुछ जो चतुर थे जा चिपके राजदंड से, और अश्व हैं कि भागते ही चले जाते हैं। खंड 3। ये कौन सी औरतें हैं अर्धनग्न खड़ी राह में, कौन ये वनवासिने जिनके हाथ में जयमाल नहीं, पुष्पगुच्छ नहीं, जिनकी आंखों में भय नहीं, क्रोध है, संताप है, चीत्कार सी लगती है जिनके विलाप की ध्वनि, फटी बिवाई वाले पैरों वाली, यह कैसी औरतें खड़ी हैं राह में, कैसी शक्लें कुरूप, कैसा स्वर रुक्ष, इन्हें दूर करो चीखता है सारथी, और अश्व चीखते चले जाते हैं उनका अस्तित्व, रौंदते हुए उनका क्रोध, उनकी चीत्कार, उनका विलाप, यह धरती पर बिछे पलाश के फूल नहीं है, उन आवाजों का रक्त है, उन विलापों का रक्त, संतापों का रक्त, भागते हैं अश्व तीर से चुपते हुए जंगल के सीने में, चीखते हैं मोर मणि वन देवी स्वर में समवेत, कहता है सारथी उन्मत्त से स्वर में, यह
समर्पण ध्वनि है तूर्य की सी बुझती हुई। विजय मद में मदमस्त राजा चीखता है, गाता है, अपने ही गले को बाजे सा बजाता है, बांस की फुनगियों को नोचता है, खखोर डालता है धरती का गर्भ, अतिथियों को बांटता है, पदवियां समेटता है, भाल पर सजाए हुए तिलक रखता, अब अपनी ही धुन में गाता है और अश्व हैं कि भागते चले जाते हैं। जहां जहां पहियों के निशान छूट गए हैं विजय चिन्ह की तरह, वहीं पांव के निशान कुछ उभरते हैं। जहां जहां बज गई है विजय ध्वनि, कुछ पुरानी आवाजें ठिठकी हुई हैं वहां, वहीं जहां धरती के गर्भ में घाव है, हो रही है हलचल कुछ, गीत कुछ विचित्र धुनों में बज रहे हैं, घायल से सैनिक कतारों में सज रहे हैं। औरतें वे फिर से उठकर खड़ी हुई और उनके हाथ में फूल नहीं बंदूक है, लाशों के बीच रखती संभल संभल के कदम, थर 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 कांपती नसों में संकल्प प्रतिघात का, संकल्प एक युद्ध का, नई शुरुआत का, भय का निशान नहीं चेहरे की चोटों में गुस्सा अकूत है, गांवों में खेतों में बंजर मैदानों में भूख से भरे हुए दक्षिण टोले सहरानों में, और दृश्य में स्वरहीन कंठ हैं रुधे हुए, नीली नीली लाशें कीचड़ भरी आंखों से देखते हैं वृद्ध जन, भागते हैं पीछे पीछे, भागती हैं औरतें, भागते हैं बच्चे, जानवर भागते हैं खेतों की मेड़ों पर, भुतिया से डेरों पर, सूखे हुए कूपों में, खाली बखारों में, मंदिर के ओटले पर, मस्जिद में, गिरजे में और गुरुद्वारे में ऊंघते बेकारों की मची हाहाकार है। दृश्य में राजा के रथ, अश्व, तूर्य, ध्वजा, भव्य सैन्य दल अस्त्र शस्त्र से सजा, नेपथ्य में अंधकार घोर है, शांति नहीं, संगीत नहीं, संभावना है, शोर है, कोई नहीं देख पाता कि घोड़े के पांव में गहरा एक घाव है, रुधिर जो जंगल की धरती पर पसरा पलास सा, कुछ बूंदें गिरकर उसमें मिलती जाती हैं, निःशब्द टापों के बीच टप टप टप, और अश्व हैं कि भागते ही चले जाते हैं। अंतिम खंड है तीसरा, सुत्या दिवस। सुत्या कहते हैं सोमरस को कूट कूट कर बनाने की जो विधि है उसको सुत्या कहते हैं, और अश्वमेध का यज्ञ जब समाप्त होता है तो अंतिम जो 3 दिन होते हैं वो सुत्या दिवस होते हैं, जिसमें एक यज्ञ होता है। और क्या क्या होता है, आखिरी दिन क्या होता है, वो उसका एक बिंब लिया है, देखिए। राजधानी की सुसज्जित यज्ञशाला, यज्ञ कुंड है धधकता, हविष्य घृत धूप चंदन मंत्र जाप तीव्र ध्वजा है फहरती, सातों दिशाओं से झुकाए सर खड़े नृप अधिपति कुलाधिपति, इतिहास कंधे झुकाए विज्ञान के संग धो रहा बर्तन, बुहारता है राह गीले चश्मे से झांकता वह कृषकाय वृद्ध, सीने में गोलियों को पुष्पमाल सा सजाए, हंस रहा है गोट से तेज होते जा रहे हैं अट्टहास, एक बच्चा नींद से उठ रो पड़ा है डर के शोर से, सोमरस की गंध तीखी तेज मंत्रोच्चार, पारिपल्व समाप्त सारे दीक्षाएं समाप्त समाप्त उपसद, उपांग यांग की प्रतीक्षा में झूमते हैं विप्रवृंद, बलिगृह से उठ रही चीखें निरंतर, मंत्रों में डूबते चीतकार के करुण स्वर, और उधर वस्त्रावरण में नग्न महिषी पुरोहित नग्न अश्व घायल। मैं एक मिनट बता दूं, ये एक परंपरा थी जिसमें जो घोड़ा हुआ करता था उस घोड़े के साथ जो राजमहिष हुआ करती थी राजा की पहली पत्नी, उसका संभोग कराने का प्रयास होता था, पुरोहित करते थे, और वावाता का अर्थ होता है राजा की प्रेमिका, ये 2 शब्द आएंगे इसमें। और उधर वस्त्रावरण में नग्न महिषी पुरोहित नग्न अश्व घायल, वावाता को गोद में बिठाए राजा उन्मत्त, घायल है अश्व महिषि घायल, पुरोहित कामातुर पड़ता है मंत्र करता केली, अश्व के पांव से रुधिर महिष की आत्मा से बह रहा है रक्त, पुरोहित उन्मत्त राजा उन्मत्त बह रहा है रक्त, पर्वत शिखर से रक्त, महासागरों से रक्त, जंगलों से रक्त, पुरोहित उन्मत्त राजा उन्मत्त। और फिर उठता है खड्ग अंतिम बलिष्ठ, गूंजती जयकार धड़ से अलग सर, लड़खड़ाते पांव श्लथ रुधिर के भंवर में डूबते हैं, अश्रु स्वेद रक्त सब धरा को चूमते हैं, चौंक कर देखता है उसे राजा और फिर मुंह फेर लेता है, जंगली नदी सी रुधिर की एक धार आती है और धर्म की ध्वजा और फहराती है। उठता हूँ नींद से जाने कि जागरण से, पसीना है कि खून है जाने, अंधेरा इतना कि आँख को कोई और रंग नहीं सूझता।